बड़सर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धंगोटा के शहीद दीपचंद राणा समृद्धि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में जनमंच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने की। इस अवसर पर कुल 200 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 153 मांगे भी प्रस्तुत की गयी। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि जनमंच प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान एवं सेवा का प्रदेश सरकार का संकल्प व भावना प्रकट होती है। यह जनता का एक ऐसा मंच है जहां पर आखिरी पंक्ति का व्यक्ति भी पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहा है और समयबद्ध ढंग से उनकी समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया गया है। जनमंच की विशेषता है कि चिन्हित पंचायतों में लगभग 15 दिनों पूर्व से ही जन समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और अधिकांश का निपटारा इसी चरण में कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और इसकी परिणति जनमंच जैसी योजनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किट आवंटित कर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह कार्यकर्ता प्रचार सामग्री के माध्यम से योजना का घर घर प्रचार करेंगी। डॉक्टर राजीव सैजल ने जनमंच के दौरान जिला हमीरपुर के लिए सेल्फी विद डॉटर तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके अंतर्गत बेटियों को सशक्त करने के लिए लोगों को जागरूकता संबंधी संदेश प्रसारित किए जाएंगे। उन्होंने पाठशाला परिसर में एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने चिन्हित पंचायतों पहल बिहाल भैल ददवी धंगोटा समताना कलासुहारी कठियाणा कुलेहड़ा और लदरौर से जनमंच में प्राप्त शिकायतें व समस्याएं प्रस्तुत की। योजना है जनमंच, इससे ये साबित होता है कि लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को कि वो इस योजना को लेकर के आए। आज उन्होंने एक ऐसा मंच जो है एक आम आदमी को सामान्य आदमी को जो अपनी बात कहने के लिए जो है जिसकी बात कहीं सुनी नहीं जाती, कई बार अधिकारी कर्मचारी भी उसकी बात को जो है इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को एक मंच देना जो है एक बहुत बड़ा काम हुआ है प्रदेश में। आज मुझे ये सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ जनमंच में जो उत्साह था, जो व्यवस्थाएँ थी, लोग जो हैं लगातार 4 घंटे तक जो है बिना हिले डुले जो हैं वो बैठे रहे हैं, तो वो भी एक उनकी उत्साह और रुचि जो है वो दिखाता है। आज इस जनमंच में हमको 200 शिकायतें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो आज ही हुआ है और इसमें से अधिकांश जो थी वो छोटी छोटी बातें थी, कुछ योजनात्मक चीज़ों को लेकर के थी और मुझे लगता है जिस प्रकार से तुरंत मौके पर ही अधिकारियों को संबंधित शिकायत के निवारण के हेतु मौके पर जा करके और जैसे भी उसका निष्पादन हो सके उसके आदेश जो है वो दिए गए हैं। और जनमंच की ये भी विशेषता है कि जनमंच वाले दिन जो शिकायतें आती हैं उनका निष्पादन जो है वो अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो करना होता है और इसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजनी होती है, तो इन सब समस्याओं का समाधान होगा। और जिला वीरपुर के अंदर आज मेरा भी जो है वो हाँ ये थोड़ा जो है मेरे भी ध्यान में विषय आया है, थोड़ा ढीलापन जो है वो IPS विभाग के कार्यशैली में मुझे भी नज़र आया और संबंधित अधिकारी को हमने निर्देश भी दिए हैं और चीज़ों को ठीक करने के लिए भी कहा है। और मुझे ये लगता है कि अगर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर प्रोएक्टिव हों तो लोगों को नौबत ही ना आए अपनी शिकायतें जो है वो जनमंच में लेकर के आने का, तो अधिकारियों को भी जो है वो लोगों की सेवा को की भावना को आत्मसात करते हुए प्रवास करना चाहिए, मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। एक आम आदमी जिसका एक पानी का कनेक्शन और 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया पानी का कनेक्शन नहीं लगा, तो उसके लिए तो सबसे बड़ी समस्या वही है और वो समस्या जो है उसका समाधान ऐसा नहीं है कि वो जनमंच में होगा, उससे पूर्व भी उसका समाधान हो सकता है अगर अधिकारी हमारे सजग हैं और जागरूक हैं और सेवा की भावना उनके मन में। सर सबसे पहले तो PIR TV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।